मशकूर साहब, ये आपकी सगी औलाद है, खून है आपका, सड़क से उठाकर नहीं लाए हम इसे। लेकिन किसी से गिला क्या करें, एक ही घर में रहते हुए सारी जिंदगी आपने हमारे साथ सुतेलों से बदतर सलूक किया है। जुमा जुमा 8 दिन हुए इसे दफ्तर जाते हुए और आपने दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकने की ठान ली। मम्मी, एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए रुहेल ने मेरा नाम दिया था, मगर इन्होंने, मेरे बाप ने मेरे नाम पे सुर्ख मोहर लगा दी, निकाल फेंका मेरा नाम। क्यों अब्बू क्यों? 28 सालों की शादी में तुमने हजार बार इस घर को तोड़ने की कोशिश की, भाइयों के दरमियान नफरत की दीवार खड़ी की, बच्चों में तफरीक पैदा किया ताकि ये खानदान तिनकों की तरह बह जाए। आज मेरी ही बेटी तुम्हारी जबान में बात कर रही है मुझसे। इतना हसद करती हो तुम बड़े भैया की फैमिली से? तुम्हारे आगे रिश्तों की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ जायदाद दौलत, यही तुम्हारे दिमाग में है सब कुछ? आप क्या चाहते हैं, बड़े भैया के औलाद के सामने हाथ फैलाकर खड़ी रहूं मैं? वो मालिक और हम हिस्सेदार? वाह नजाबा, क्या खूब कही आप। अब्बूजान, अगर सारा कारोबार बराबरी की बुनियाद पर होता तो दफ्तर में मेरी भी कोई हैसियत होती। मैं तो बेशर्मों की तरह रोज चली जाती हूँ, ना किसी फैसले में ना किसी मशवरे में। किसी से क्या गिला करना बेटा, जब अपना सगा बाप अपनी औलाद के रास्ते की रुकावट बन जाए। सुकून से घर पर बैठो, अल्लाह देख रहे हैं ना हमारा सबर, और हमारे सबर का फल हमें मिलकर रहेगा। मशकूर साहब, एक बात बता दूं मैं आपको, आप और आपके सगे बहुत पछताएंगे। ठीक है, तुम्हारे जहरीले इरादों ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं वो फैसला करूं जो मैंने आज तक नहीं लिया था। ठीक है, यही सही। तुम लोग बंटवारा चाहते हो ना? ठीक है, तो बंटवारा ही होगा। ये घर, प्लाट्स, दफ्तर और बैंक बैलेंस जो हमने 30 सालों में कमाया था, उसको तकसीम करने का वक्त आ गया है। मेरे ख्याल में तकसीम जो है एक बहुत महज़ब लफ्ज है, बंटवारे का वक्त आ गया है। कभी ना कभी तो यह होना ही था। अच्छा हुआ कि हमने अपनी जिंदगी में ही यह सब देख लिया। इस घर के बंटवारे के साथ साथ बरकतें भी बढ़ जाएंगी, मोहब्बतें भी तकसीम होंगी। सही वक्त पे आपने ये फैसला किया मशकूर मियां। अगर हमारे बाद ये सब कुछ होता तो शायद हम कब्र में भी चैन से ना रहते। शुक्रिया मशकूर मियां, शुक्रिया। पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब फिर मुझसे बंटवारे के मनहूस अल्फाज निकले। उस समय मैं अपना होशवास खो बैठा था। आपके कानों पे मुसलसल जहन में मुझे अल्फाज हथौड़ों की तरह बरस रहे, तो और आपके आपके पास ऐसा से कमतरी में शिकार लोग हो तो आप भी शायद वही करें जो मैंने किया। मैं अपनी जस्टिफिकेशन पेश नहीं कर रहा, शर्मिंदा हूं
शर्मिंदगी छोटा लफ्ज़ है। आप पढ़िए, बाप की तरह आपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुझे माफ कर दें। आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसा, माफ कर दें। हद हो गई, अल्लाह माफ करे, आपके अब्बा जान ने ऐसे रंग बदले जैसे वो क्रिकेट रंग बदलता है। मैं तो ये सोच रही थी कि आज फैसला हो जाएगा, बदल जाएगी हमारी जिंदगी, लेकिन नहीं, ऐसे झूठ टर्न लिया इन्होंने। पूना, डरते हैं ताया जान से? कोई डरते बरते नहीं है, एक ही थाली के चट्टे बटे हैं सब, हमारे खिलाफ सब इकट्ठे हो जाते हैं। सालों से इनके साथ रह रही हूँ, सबकी खसलत को अच्छी तरह जानती हूँ मैं। मेरे ऑफिस जाने का क्या होगा? तुम चुपचाप ऑफिस जाओ, ऐसे फील करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सरताज, अगर आपको बुरा ना लगे तो हम कुछ अर्ज करें? ये जो आपने पूरे खानदान के सामने हमें बेइज्जत किया है, उसके बदले में भी जान बड़े भैया ने तो बहुत इनामात दिए होंगे आपको, जब पर खाली हाथ आए। जान छोड़े, जो हो गया सो। कैसे छोड़ दूं? नहीं छोड़ सकती मैं। सोचा था जिंदगी बदल जाएगी, हम अपनी मर्जी से जिएंगे, लेकिन नहीं, सारे के एक किराए पर पानी फेर कर रख दिया इन्होंने, वही तनख्वाह पर गुजारा करेंगे हम। किस चीज की कमी तुम्हारे? किस चीज की कमी है तुम्हें? जो तनख्वाह हमको मिलती है ना, वही बड़े भैया की फैमिली को मिलती है, अखराजात के अलावा। जी कुछ नहीं है ना, तकाजा करो, मांगो, लेकिन ये बात सोच लो कि अभी भी हजारों और लाखों से बेहतर हो तुम दोनों। आप प्लीज थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएं, मेरी बात सुने। आपने ऑफिस में मेरी चीजें काफी रुकवा दी थी, उन्हें प्लीज अप्रूव करा दें। गाड़ी मिलते मिलते रह गई। कह देंगे थैंक यू, और अगर गाड़ी देंगे तो मेरी बेटी पर कोई एहसान नहीं करेंगे। हक है मेरी बेटी का,